नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के निर्देशानुसार जिला बिजनौर की कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन रायन, नगीना लोकसभा सांसद गिरीश चंद, मुख्य सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद बरेली मेरठ मंडल डॉक्टर रणविजय सिंह, मुख्य सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद मंडल साजिद सैफी, मुख्य सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद मंडल डॉक्टर योगेंद्र सिंह आदि की संस्तुति पर जितेंद्र सागर को जिलाध्यक्ष, नाजिम अहमद अलवी को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। और इसी के साथ हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बसपा के नवनिर्वाचित जिला उपाध्यक्ष नाजिम अहमद अलवी। सर, बंधन समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको जिला उपाध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। तो सर, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे अभी आप बसपा के जिला उपाध्यक्ष बने हैं, तो इससे पहले आपने और बसपा में किस किस पद पर काम किया है? मैं इससे पहले बसपा के विभिन्न पदों पर काम कर चुका हूं। मैं बसपा के सर्वप्रथम मैं बसपा जिला सचिव बनाया गया और मैंने लगभग लगातार 1.5 साल जिला सचिव के कार्यभार संभाला। उसके बाद मेरे कार्य को देखते हुए मुझे प्रमोशन करके जिला संगठन मंत्री के पद पर प्रमोट किया गया और अब मुझे प्रमोट करके जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो सर, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? एक्चुअली हमारी विधानसभा चुनावों के लेकर जो हमें शीर्ष नेतृत्व से जो दिशा निर्देश मिले हैं, वो ये मिले हैं कि हमें समाज के बीच में जाना है और समाज के बीच में हर तबके में जाकर भाईचारा बनाना है और भाईचारा बनाकर इस बार हम चुनाव में गंगा जमुनी तहजीब को लेकर और किसानों के मुद्दे को लेकर, गरीब के मुद्दे को लेकर, वंचित शोषित वर्ग के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। चलिए सर, आपको बहुत बहुत बधाई और आप आगे तरक्की करें, आपकी मनोकामना पूरी हो, आप आगामी विधानसभा चुनावों में अच्छे से कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बसपा के जिला उपाध्यक्ष नाजिम अहमद अलवी। बंधन समाचार भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।